तो दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके सामने पेश हुआ हूं और आज जो मेरा टॉपिक है, गर्मियों में गुलाब के पौधे की कैसे देखभाल करें कि पूरा साल पौधा तंदुरुस्त भी रहे और भरपूर फूल दें, इसके ऊपर ये पूरा वीडियो है। और मेरी आपसे गुजारिश है, मेरा वीडियो आप अंत तक देखें, कहीं भी कोई भी हिस्सा छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें जितनी भी इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से पाई है, वो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश गुप्ता एक बार फिर आपके सामने पेश हुआ हूँ और एक बहुत ही अट्रैक्टिव टॉपिक के साथ। वो ये है कि गर्मियों में गुलाब की कैसे केयर करें जिससे कि इस पे भरपूर फूल आए और पौधा भी तंदुरुस्त रहे। तो दोस्तों, अक्सर ये देखा जाता है ज्यों ज्यों गर्मी बढ़ती है, जिसे आजकल बढ़ रही है, तो गुलाब के जो फूल हैं वो तो आते हैं, भरपूर भी आते हैं, लेकिन फूलों का जो साइज़ है वो घटता चले जाता है। और उन इन सब बातों से बचने के लिए हमें क्या करना है कि फूल भी भरपूर आएं, उनका साइज़ भी रहे, और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी तेज़ गर्मी में फूल ज़्यादा दिन तक, मुश्किल से एक या दो दिन तक पौधे के ऊपर रहते हैं और उनकी जो कोमल पंखुड़ियाँ हैं वो सूख जाती हैं और वो गिरना शुरू हो जाते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें कुछ सावधानियाँ बरतनी हैं और उनमें से उन सावधानियों में से एक है कि सबसे पहले इसको शुरू से ही केयर करें, यानी कि नवंबर महीने में प्रूनिंग अच्छे ढंग से होनी चाहिए और इस तरह से होनी चाहिए कि वो जो प्लांट है उसकी जो टहनियाँ हैं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना करें और साथ में ही उनको एक प्रॉपर स्पेस मिले ताकि पौधा जो देखने में भी अच्छा लगे और हर फूल को हवा धूप पूरी मिलती रहे। तो इस तरह से जैसे आप यहाँ इस पौधे को देख रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो मैंने इसमें कर रखी है वो है हैवी मल्चिंग। और हैवी मल्चिंग जो है वो आजकल गर्मियों में इसको एक बड़ा सुकून देती है, क्योंकि पानी बड़ी जल्दी सूख जाता है। गुलाब एक ऐसा पौधा है, इसको पानी की कमी हो जाए तब भी सूखेगा, और अगर बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो इसमें फंगस लगने के चांसेस होते हैं, रूट रॉट हो जाता है। उसको बचने के लिए सबसे जो मुफीद तरीका है वो है मल्चिंग। मल्चिंग आप किसी भी चीज़ की कर सकते हैं जो बायोडिग्रेडेबल है, उसमें कागज़ के स्क्रैप्स हो सकते हैं, सड़ी गली पत्तियां हो सकती हैं, उनको रखिए, उन पर थोड़ा थोड़ा जब हम पानी देते हैं तो वो गलना शुरू होती है और एक रेगुलर सप्लाई जो है ऑर्गेनिक खाद की वो पौधे को मिलती है और पौधा कभी भी ज़्यादा गर्मी से दम नहीं झुलसेगा, पत्तियां ख़राब नहीं होंगी और ना ही उनके कोने जो है सीरे हैं वो सूखने शुरू होंगे। तो इस तरह से इन पौधों में आप देख सकते हैं कि बिल्कुल तंदुरुस्त हैं ये, और उसका रीज़न ये हैवी मल्चिंग है। ये हैवी मल्चिंग आपको दिखाई पड़ रही है, ये लकड़ी का बुरादा है और मुझे जो मिला वो उसको मैं इस पे डाला, और सड़ी गली गोबर की खाद भी इसमें डाली है। दूसरे ये है कि इसमें जैसे ही फूल अपनी पंखुड़ियों को छोड़ देता है तो उसकी
इन ये जो डोडियां हैं या जो उसके सीड बनेंगे या फ्रूट है उसको हटा दीजिए, और आप देखेंगे जैसे ही हम इसको हटाते हैं तो कितनी भरपूर कलियां एकदम आनी शुरू हो जाती हैं। ये इसका रिज़ल्ट होता है, क्योंकि फूल से फल बनने में पौधे की बहुत एनर्जी लगती है। जब उसको हम समय पे हटा देते हैं तो वो एनर्जी पौधे के ग्रोथ और उसकी तंदुरुस्ती में इजाफा कर देती है। और अगली बात है कि गर्मियां पड़ती हैं और उसके साथ साथ ही पानी का पत्तों के द्वारा सूखना बड़ा फास्ट हो जाता है। जो सुबह हम पानी देते हैं वो दोपहर तक सूख जाता है और पौधा एक शॉक महसूस करता है, एग्जर्शन महसूस करता है। तो उसका एक बड़ा साधारण सा तरीका है कि आप सुबह और शाम पौधे को एक शावर दीजिए, यानी कि उसके ऊपर पानी की फुहार कीजिए, जिससे कि उसके ऊपर डस्ट भी ना आएगी और वो खोई हुई एनर्जी को मेंटेन करेगा। ये मेरे पास मिनिएचर गुलाब है और मल्चिंग के सहारे ये तेज गर्मी को सहन कर रहा है, और अपने जो फूल है उनका जो बंच है उसको इसने मेंटेन किया है। अभी 5 दिन पहले इसका पहला फूल खिला था, तो अभी तक आप देख सकते हैं कि फूल बिल्कुल अच्छे तरीके से इस पे टिके हुए हैं। अभी उनकी पंखुड़ियाँ सूखी नहीं हैं, झड़ी नहीं हैं, और साथ ही दूसरा एक ग्रुप, एक बंच भी आना शुरू हो गया है। और इस तरह से एक यहाँ ये मिनिएचर गुलाब दूसरे कलर का है, और आप देख सकते हैं कि गमले में मैंने कितनी मल्चिंग कर रखी है, और उसी मल्चिंग का नतीजा है कि फूल भरपूर आ रहे हैं, तंदुरुस्त आ रहे हैं। इंग्लिश रोज़ बहुत ही ख़ूबसूरत, तंदुरुस्त और बिल्कुल फ्रेश तरोताज़ा लग रहा है। तो ये सब हो रहा है, जो मैंने अभी बातें बताई हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए और छोटी सी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए तो ये रिजल्ट्स तो आएंगे ही। और आजकल के दिनों में केमिकल स्प्रे कोई भी नहीं करना चाहिए, और फंजीसाइड जो है उसकी ज़रूरत पड़ जाती है, महीने में या 1.5 महीने में एक बार कीजिए, और हो सके तो वो भी अगर ऑर्गेनिक हो तो बहुत अच्छा है। नीम ऑयल स्प्रे या नीम की खली वो काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि गर्मियों में पौधा जो है बहुत सी चीज़ों के लिए ससेप्टेबल होता है, जिसमें फंगस भी एक है और एफिड्स भी लगते हैं जो कलियां और फूल सुखा देते हैं। आप ये कलियां देख लीजिए, इसमें कहीं भी आपको एफिड्स नहीं दिखाई पड़ेंगे। और आगे इनकी केयर बरसात आने पे वो थोड़ा और ढंग से होगी, उसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। गुलाब के फूल की और पौधे की खासियत ये है कि अगर आप गमले में लगाएं या क्यारियों में लगाएं, ये हर जगह बड़ी आसानी से उग जाता है, और ढंग से केयर की जाए तो सालों साल कई दशकों तक भी ये आपके क्यारियों में, बागीचे में या गमले में रह सकता है। और एक बहुत अच्छी बात इसकी ये है कि साल में ये बार बार अपने फूल देता है, तो अगर इस तरह से बगीचे में आपके गुलाब के फूल हैं तो आपको फूलों से महरूम कभी भी नहीं रहना पड़ेगा। इसीलिए
लोगों की पहली पसंद गुलाब ही है। तो दोस्तों, अभी आप जो गुलाब का पौधा देख रहे हैं, ये एक क्रीपर रोज़ है और इंग्लिश वैरायटी का है। इसको मैंने आज से 5 साल पहले लगाया था, लेकिन 2-3 साल बीत जाने के बावजूद भी इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई। और जो अभी तक मैंने अपने वीडियो में बताया है वो तरीके अपनाए, तो लास्ट ईयर इसमें 5 या 6 गुच्छे आए थे और अब इसमें भरपूर फ्लावरिंग हुई है। और ये फ्लावरिंग को अभी हफ्ता हो चला है, पंखुड़ियाँ इसकी बरकरार हैं और रंग भी बहुत अच्छा खिला खिला है। उसका मेन कारण ये है, जो भी बातें मैंने अभी वीडियो में डिस्कस की वो इसके ऊपर अप्लाई किया, और सबसे अच्छा रहा कि इसके ऊपर दिन में 2 बार शावर जो किया जाता था उससे ये फूल और प्लांट बिल्कुल तरोताज़ा नज़र आ रहा है अभी तक। और मुझे उम्मीद है कि अभी ये 1 हफ्ता और इसके ऊपर ये फूल टिके रहेंगे। और एक बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ जितनी गर्मी पड़ रही है उसमें तो कोई उम्मीद नहीं थी कि ये 3 या 4 दिन तक भी रहते। तो इस तरह से आप अपने गुलाब के जो पौधे हैं उनकी केयर कीजिए, और ये ऐसे ही रिजल्ट्स आपको भी मिलेंगे। अभी और भी मैं बहुत से गुलाब के नए पौधे ला रहा हूँ, उनके ऊपर तरह तरह की जो है मैं केयर करूँगा और खोजबीन उन पे मेरी जारी रहेगी। और इस तरह से जो इन्फॉर्मेशन्स हैं वो वीडियोस के माध्यम से आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मैं आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे आपसे कमेंट्स मिल रहे हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिए, ताकि मुझे ये पता लगता रहे कि मुझे कौन सी कमियां हैं जो मुझे सुधारनी है। और साथ ही मैं यूट्यूब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है जिसमें सीखने सिखाने और शेयर करने के लिए बहुत कुछ है। तो ये सब आपके साथ शेयर करने में बहुत मज़ा आता है। तो दोस्तों, अभी आपने देखा, और इस वीडियो को ज़रूर आप लाइक करेंगे, और इसके साथ ही मैं आपसे अब अलविदा लेता हूँ अपने अगले वीडियो तक। धन्यवाद, नमस्कार।